तो पहले हमें गोली बनने की, चाहे अपने बॉडी पे काम हो या अपने फिजिक पे काम हो या अपने एक्टिंग पे काम हो या अपने मुझे लगता है कि भाषा पे, अपने लैंग्वेज पे, हर चीज पे आप काम करिए, अपने डांस पे काम करिए, अपने एक्सप्रेशन पे काम करिए, आप काम करिए, मेहनत करिए, अपने आप कोई ना कोई ऐसा आदमी आएगा, जोहरी आएगा जो आपको हीरा बनाकर और दुनिया के सामने परोस देगा। तो मेरी कोशिश ये रहती है अपने आप को हीरा बनाना, अपने आप को गोली बनाना, ताकि कोई सी भी बंदूक में मैं आ जाऊँ और दुनिया मुझे फायर करे तब मैं किसी की जान ले लूँ। तो वो सारी चीज़ें हैं, इसीलिए मैं बेहतर करने की हमेशा कोशिश कर रहा हूँ। आज गॉड फादर के लिए 3-3 लुक लिया मैं, तो अपने बालों को 7-8 घंटे तक डाई कराना, 8 घंटे तक एकदम साइलेंट रहना। इसमें एक और रोल है कि जो मैं बिल्कुल अपाहिज हूँ, उस अपाहिज का करेक्टर करना गॉड फादर में। तो एक 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 फ्रेम में दो दो खिसारी खड़ा है, तो उसको उसका बॉडी जेस्चर, इसका बोलने का तरीका, उसका तो बहुत डिफरेंट डिफिकल्ट होता है सारी चीज़ें। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे बहुत प्रिपेयर रहना पड़ रहा है कि नहीं, उसमें और इसमें अंतर तो होना चाहिए। तो कोशिश है बेहतर करने की। अब देखिए जनता कितना हद तक उस फिल्म को प्यार देती है, आशीर्वाद देती है। और मैं जनता से भी यही अपील करूंगा कि हर बार संघर्ष नहीं बनेगी, लेकिन अगर इस संघर्ष को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया तो मुझे लगता है कि भोजपुरी में हर दिन एक संघर्ष बनेगी। तो वो जरूरी है, ताकि इसी फिल्म से लोग सीख लेंगे कि नहीं यार, बेहतर करेंगे तो हमें बेहतर चीजें और बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आप सबका जागरूकता एक भाषा को बड़ा कर सकता है, आपकी एकता एक भाषा को बड़ा कर सकती है। तो मैं अपनी जनता से ही रिक्वेस्ट करूंगा, कौन नहीं बोल रहा है बोल रहा है, ये कोई विषय नहीं है, सबके अपने मन के मालिक है, सब लोग अपने मर्जी के मालिक है। भाई किसी को बोलना नहीं बोलना उसका अपना विषय है, उसका अपना नेचर है कि वो बोलना चाहता है नहीं बोलना चाहता है, इसमें वो दोषी नहीं है कि हाँ वो गलत कर रहा है, नहीं। आप और पराग पाटिल जी की जोड़ी जो संघर्ष से यहाँ तक चली है कई हिट फिल्में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए पराग जी के अंदर एक सोच होती है हमेशा, हमारे लुक को लेकर, हमारे बॉडी को लेकर, हमारे करेक्टर को लेकर। तो एक डायरेक्टर बेहतर सोचता है तो आदमी ऑफिशियली अच्छा करने की कोशिश करता है, उसके इरादों पे खड़ा उतरना, उसके सोच पे खड़ा उतरना हम कलाकारों का कर्तव्य है। और मैं कोशिश करता हूँ, अब मैं कितना उतार पाता हूँ ये तो पराग पाटिल ही बता पाएंगे और ऑडियंस बता पाएगी कि उनकी सोच को मैं कितना बेहद हद तक उतार पाता हूँ। तो ये मेरी कोशिश रहती है, उनकी भी कोशिश रहती है। 20 साल से लेकर 60 साल तक आपको बना देते हैं कुछ भी, कितना वर्क आपको करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है? किसी भी रोल के लिए मैं हमेशा अपने आप को उसको आसान नहीं समझता, हमेशा चैलेंजिंग के रोल, मेरे लिए हर वो रोल चैलेंजिंग होता है, क्योंकि वो आसान नहीं है, एक्ट करना आसान नहीं है। आप एक खिसारी हो और खिसारी से हटके आपको कुछ करना होता है, तो आपके बॉडी में खिसारीपन है, आपके बॉडी में खिसारी है, आपके जुबान पे खिसारी है, लेकिन अब खिसारी से हटके आपको कुछ करना है तो वहाँ वो आसान नहीं होता है। आपको अपने आप को चेंज करना होता है आपके स्क्रीन के लिए और आपके ऑडियंस के लिए, आपके अपनी कहानी के लिए। तो वो बहुत टॉप जॉब है कि हमको खुद से निकाल कर किसी और में समेटना होता है, हमें खुद से निकल कर किसी और के एक्ट को अपनाना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा टॉप जॉब है, इतना आसान नहीं है, इसीलिए मैं डिफरेंट डिफरेंट रोल करता हूँ ताकि मैं हर उस किरदार को निभा सकूँ। हमारे घर में 7 भाई हैं, 7ों का बोलने का तरीका अलग है, चलने का तरीका अलग है, खिसारी का बोलने का तरीका अलग है, चलने का तरीका है, लेकिन उस 7ों भाइयों में से मैं करेक्टर ढूंढता हूँ कि नहीं वो मेरे 7 भाई में से कैसे चलते हैं, सब कैसे बोलते हैं, कैसे उनका बिहेवियर है। अपने गांव में जब जाता हूँ तो ये सब करेक्टर ढूंढते रहता हूँ कि कौन सा यूनिक करेक्टर है जो मुझे प्ले करना चाहिए। तो वो एक मेरा सोच है अपना कि मैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पर काम करता हूँ और कामयाब भी होता हूँ। तो अब लोगों का प्यार है, आज इतने दिन से तो लोग देख ही रहे हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भोजपुरी बड़ा हो। मैं तो जितना खुद को बड़ा करना था कर चुका हूँ, और आगे भी है कोशिश कि आपको अपने आप को भी बड़ा करें, और उसके साथ साथ उससे ऊपर हमारी भोजपुरी है, जिस भोजपुरी को हम यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया से ऊपर देखना चाहते हैं। संघर्ष तो जिस लेवल की बनी है, भोजपुरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन कोई स्टार आगे नहीं आ रहा है सपोर्ट में, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, उनका अपना सोचने का तरीका है, वो क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं। उनको ये लगता होगा कि खेसारी की फिल्म है इसलिए शायद कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, और शुरू से मुझे सपोर्ट नहीं मिले हैं कोई नहीं। बट भोजपुरी की जहाँ बात आई तहाँ हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। पर्सनल मतभेद अलग हो गया, ये अलग मैटर हो गया, हमारा आपका पर्सनल मतभेद हो सकता है, बट मुझे लगता है कि जब भोजपुरी की बात है तो भोजपुरी के लिए हम सबको एक होकर ही काम करना चाहिए। उससे क्या होगा कि बाकी इंडस्ट्री भी कहेगी कि चलो यार भोजपुरी के लोग एक होकर अब काम बेहतर कर रहे हैं,
साउथ की तरह एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी भी है, लेकिन ठीक है उनका अपना सोचने का तरीका है, वो गलत नहीं है। अगर उनको लगता है कि नहीं वो खेसारी को सपोर्ट कर रहे हैं तो ये खेसारी यहाँ आता ही नहीं है, भोजपुरी है तो हम हैं, भोजपुरी नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो हमें भोजपुरी के लिहाज से और भोजपुरी के मार्केटिंग के हिसाब से सबको बोलना चाहिए, अगर नहीं बोले तो ठीक है, उसमें किसी का दबाव थोड़ी है, और इनके बोलने ना बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट भोजपुरी की बात है तो हम सबको एक होकर बोलना चाहिए, मेरा मानना ही है, क्योंकि विदेश के लोग तक रिव्यू दे रहे हैं टीचर के, पाकिस्तान के लोग रिव्यू दे रहे हैं, चाहे वो पंजाब के हो या हरियाणा के हो या महाराष्ट्र के हो या हमारे साउथ के हो, कहीं के भी लोग ऐसा नहीं है जिन्होंने रिव्यू बेहतर नहीं दिया, और सबने बेहतर बताया। एक दो लोग हैं जो अपने अपने भाषा के लोग हैं उनको वो चीजें बुरी लग रही है, तो ठीक है, जिसको मुझे बुरा साबित ही करना है उनको मैं अगर रामायण का पाठ भी दे दूं तो भी वो मुझे गलत ही साबित करेंगे, तो उनके बातों का मैं केयर नहीं करता कि हाँ उन्होंने क्या बोला नहीं बोला। उनको जिस दिन लगेगा कि नहीं हमारी अपनी भाषा को गाली दे रहे हैं, अपनी भाषा की बुराई कर रहे हैं, तो शायद वो समझ जाएंगे, लेकिन उनको अपना चैनल चलाना है, उनको ना हमारा भाषा से लेना देना है और ना ही हमारे कंटेंट से लेना देना, नहीं हमारी सिनेमा से लेना देना है, उनको लेना देना है अपने खुद के चैनल से, जिसके लिए वो कुछ भी बोल जाएंगे कुछ भी कह जाएंगे। तो हमें इस सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और उनके ना बोलने और बोलने से कुछ होता नहीं है, उनका अपना बोलने का तरीका है, क्योंकि वो मन में ठान लिए कि खेसारी को गलत साबित करना है, भोजपुरी को गलत साबित करना है, तो उसके लिए कोई शब्द नहीं बना है, तो उसके लिए क्या बोला जा सकता है। और मैं तो सबसे अपील करता हूँ कि मेरे जितने भी छोटे भाई हैं उनको भी अगर बेहतर कोई भोजपुरी में करता है, चाहे आप करेंगे तो मुझे भी बोलना चाहिए, हम करें तो आप भी बोलिए, लेकिन